अगर आपका सवाल है कि आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए क्या करना पड़ता है तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, बिकॉज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए कौन सा कोर्स करना होता है, कौन सा एग्जामिनेशन देना होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए। अगर आप इन चीज़ों के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आईपीएस ऑफिसर के बारे में, फिर बात करते हैं सवाल और जवाब की। आईपीएस ऑफिसर, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर। आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए सिविल सेवा परीक्षा यानी कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को क्लियर करना होता है। सिविल सेवा परीक्षा को यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट कराती है। अब बात करते हैं सवाल और जवाब की। आपका सवाल है कि आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए क्या करें। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो ग्रेजुएशन के बाद आप आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए सिविल सेवा परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अभी ट्वेल्थ कंप्लीट किया है तो ट्वेल्थ के बाद आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद ही आप सिविल सेवा परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं यानी कि अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने ट्वेल्थ कंप्लीट किया है तो उसके बाद आपको ग्रेजुएशन करना चाहिए, उसके बाद आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपको भारतीय नागरिक होना ज़रूरी है। अगर बात करें एज लिमिट की, तो अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आप 21 से 32 वर्ष की आयु में इस एग्जामिनेशन को 6 बार दे सकते हैं। अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो आप इस एग्जामिनेशन को 21 से 35 वर्ष की आयु तक 9 बार दे सकते हैं। अगर आप एसटी एससी के कैंडिडेट हैं तो आप इस एग्जामिनेशन को 21 से 37 वर्ष की आयु तक जितनी बार चाहें उतनी बार दे सकते हैं। ठीक है, तो ये है एज लिमिट फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आपका काम है ग्रेजुएशन कंप्लीट करना, उसके बाद यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना। तो सबसे पहले आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कीजिए, फिर यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कीजिए। अगर आप अच्छे तरीके से चीज़ें करते हैं तो आप डेफिनेटली एक आईपीएस ऑफिसर बन पाएंगे। अब बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए। सबसे पहले आपको प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम यानी कि प्रारंभिक परीक्षा देनी होगी। प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम में आपको दो पेपर देने होते हैं, दोनों पेपर ऑप्शनल होते हैं। प्रत्येक पेपर 200 अंक यानी कि 200 मार्क्स का होता है। कुल मार्क्स जो हैं वो हैं 400 यानी कि 400। लेकिन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के जो मार्क्स हैं ये टोटल मार्क्स में नहीं जोड़े जाते हैं, ये एग्जामिनेशन केवल क्वालिफाई करने के लिए होता है। प्रीलिमिनरी एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको मेन एग्जाम यानी कि मुख्य परीक्षा देने का मौका मिलेगा। मेन एग्जाम में आपको कुल 9 पेपर देने होते हैं, जिसमें से 2 पेपर केवल क्वालिफाई करने के लिए होते हैं। मेन एग्ज़ाम कुल 1750 यानी कि 1750 मार्क्स का होता है। अगर आप मेन एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से क्लियर कर लेते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अगर आप इंटरव्यू को अच्छे तरीके से क्लियर कर लेते हैं तब फाइनली आप एक आईपीएस ऑफिसर के रूप में सेलेक्ट हो सकते हैं। इंटरव्यू कुल 275 अंक यानी कि 275 मार्क्स का होता है। इंटरव्यू आप इंग्लिश या फिर हिंदी दोनों में से किसी भी एक लैंग्वेज में दे सकते हैं। फुल प्रोसेस कंप्लीट कराने के बाद फाइनली आप एक आईपीएस ऑफिसर के रूप में सेलेक्ट हो सकते हैं। हमारे वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल राइट इन्फो क्लब को, जहाँ पर आपको मिलती है राइट इन्फॉर्मेशन। सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए, ऑल पर क्लिक कीजिए, जिससे आपको सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप आने वाली सभी वीडियोज़ को देखते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।